नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बनाएंगे मूली की भाजी, जो पौष्टिक और स्वादिष्ट है। मूली में आयरन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होती है। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। 200 ग्राम मूली लेंगे और मूली के पत्तों को इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। मूली के पत्ते कभी फेंके नहीं, क्योंकि मूली में और मूली के पत्ते दोनों फायदेमंद होती हैं। पत्तों को इस तरह से छांट लें। और मूली के दोनों साइड को इस तरह से कट कर लें। मूली अगर फ्रेश है तो ना छीलें, अगर थोड़ा एक दो दिन का है तो उसको आप इस तरह से छील लें। और अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर लें। आप इसे जिस भी शेप में बनाएंगे खाने में उतना ही स्वादिष्ट होगा। साग को इस तरह से बारीक चॉप कर लें। मूली के पत्तों और मूली को अच्छी तरह से धो लेंगे। पैन में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच सरसों, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, 3 से 4 कली लहसुन, 1 हरी मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा को बारीक करके डालेंगे। और लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब कटे हुए मूली और पत्तों को डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। मूली की सब्जी तो बहुत तरीके से बनती है, लेकिन मैं ये रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी है। दो से तीन मिनट चलाने के बाद 1 मिनट के लिए ढक दें। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर दोबारा से इसे चला लें। स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, जीरा पाउडर, इन दोनों को अच्छे से मिलाकर भून लें। नमक डालते ही मूली में पानी छोड़ देते हैं, तो मसाला अच्छे से भुन जाती है। एक चुटकी कसूरी मेथी डालें और इसे ढक दें। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे मिला लें। ये नींबू डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद है नींबू तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें, लेकिन नींबू डालने से इस सब्जी का स्वाद और अच्छा हो जाता है। तीस सेकंड के लिए दोबारा से ढक्कन लगाएं और 30 सेकंड के बाद फिर ढक्कन हटाकर इन सब को मिला दें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।